नमस्कार जय हिंद साथियों, फिर आए हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की इस वक्त ही बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हां साथियों, हम आपको बता दें केंद्रीय मंत्री सिंधिया को क्यों नहीं लड़ाएगा भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव। जी हां साथियों, बने रहिए न्यूज के साथ, जानिए क्या है इसकी वजह। जी हां साथियों, बने रहिए न्यूज के साथ। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हाँ साथियों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी सूची में से उनका नाम शामिल नहीं किया हुआ है। जी हां साथियों, हम आपको बता दें कि इस वक्त पार्टी राजनीति बदलते हुए सिंधिया को चुनावी मैदान में नहीं उतारने का निर्णय ले लिया। वहीं आपको बता दें इसके पीछे की समर्थकों को टिकट नहीं दिया जाना एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। जी हां साथियों, हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव के टिकट दे दिया। इसमें से हम आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और शामिल हैं, और मंत्री फग्गन सिंह कुश्ते व प्रहलाद पटेल शामिल हैं। जी हां साथियों, वहीं आपको बता दें कि पार्टी ने उनके नाम पर मंथन किया तो, लेकिन इनके मौके का उनका नाम हटा दिया गया कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। जी हां साथियों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थकों ने इस बार विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया गया। इस कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तन जाकर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को दिया एक बड़ा झटका और कांग्रेस में शामिल होने की बना लिए पूरी तैयारी। जी हां साथियों, बने रहिए न्यूज़ के साथ। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जैन साथ जुड़े चले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जैन जय भारत, मिलते हैं वीडियो में।